పెట్టిందంట. కద్దు కద్దు తీసి పెట్టిన కద్దు గోల్ గోల్ కద్దు కీరాలో కద్దు ఎలా కద్దు హట్టు కట్టు చోరో మారో హట్టు కట్టు చోరో అరే హట్టు కట్టు చోరో మారో హట్టు కట్టు చోరో अपनी बेटी को ब्याह करवा लो मात्र 15 लाख में. बेटा जल्दी मत कर, थारा ब्याह करवा दूंगा. टमाटर लला टमाटर 50 रुपए किलो टमाटर लाल लाल टमाटर गोल गोल टमाटर चलने का लेला लेला और मैं करने भी लेंगे. टमाटर लला टमाटर इंजीनियर लड़का मेरा इंजीनियर लड़का अपनी बेटी की शादी करवा लो मात्र 20 लाख में. लाल लाल गालो वाला हम सब इंजीनियर लड़का. नमस्कार मोहन साहब. नमस्कार. क्या आप ही एमएस भाई कोटला है? इधर तो जान लो बेटा कमदाइट तो मेरे पिताजी तो कोटला नहीं थे ना, गुप्ता आता था मेरे तो. भाई साहब मैंने तो अखबार के विज्ञापन में यही नाम पढ़ा था. ये बेटा तुमने बताया था नाम? अरे नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा. लो तो लुत्ता भी समझाते आता हूँ मैं. अरे कर लेंगे उनको बाद में देते दे. ये बताओ इधर देता आना हुआ? क्या बताओ भाई साहब, मैंने अखबार के विज्ञापन में पढ़ा था कि आपको आपकी बेटी के लिए लड़की की आवश्यकता है. हाँ हाँ ते पगले हैं. हाँ तो देखिए मेरी लड़की का फोटो, सुंदर सुशील, सिलाई कढ़ाई बुनाई सभी काम में निपुण है. भले भाई ये तब बातें बोलो, ये बताओ दहेज में कितना दो दे? भाई साहब दहेज तो जो आप बताएं दे तो भाई तब तब देता हूँ. मैंने अपने बेटे की दत्तलती पले में कितने पकड़ते थे बता? दतलात. हाँ दतलात ये मेरे दतलात. अरे भाई साहब मैं तो यहाँ लड़की का रिश्ता लेके आया हूँ, आपको 10 लाख देने थोड़ी ना. ये बेटा तंबा तो अरे 10 लाख नहीं पैता पैता पैता. हाँ तो तमद आ गया ना चल दो. हाँ समझ गया भाई साहब समझ गया. तो क्या दयाला देता भाई साहब, मैंने सारा जीवन ईमानदारी की कमाई करके बेटी की शादी के लिए मात्र 5 लाख रुपए जमा किए हैं. आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना. कोई एडजस्ट नहीं, तुम्हें अपनी बेटी की शादी तलना हो तो तलो, वरना अपना और मेला तुम्हें बर्बाद ना तलो. तलो तलो आगे बढ़ो करने का आते आते मुताते. नमस्कार दुद्दू भैया. गणिकम्मा तन्ने मालूम नी मर्रे बापू का नाम दिद्दी सेठ है, इनके नाम से पूरा गांव का पथ है. हाँ दुद्दू भैया सुना तो है, पर मैंने अखबार के मोबाइल विज्ञापन में आपकी बेटी के बारे में भी सुना था. क्या आपको आपके बेटे के लिए लड़की की आवश्यकता है? जी तन्ने बिल्कुल सही पढ़ा है. तो देखिए रुद्दू भैया यह मेरी लड़की का फोटो, सुंदर सुशील, सिलाई कढ़ाई बुनाई सभी काम में निपुण है. छोरी तो गाड़ी चोखा लागे, माधुरी दीक्षित को भी फेल कर दिया. अरे छोरा छोरी कैसी है? बापू देख लो भाई मेरे छोरा थोड़ा शर्मिला है, पर ब्याह होने के बाद सब एडजस्ट हो जाएगा. देखो भाई मेरे छोरे को थारी छोरी पसंद है. बापू दहेज. पर ये बताओ कि दहेज में कितना दोगे? भाई साहब दहेज तो आप बताए. देखो भाई मैंने अपने छोरों को हट्टो कट्टो बनाने में पूरा 10 लाख खर्च करे, 10 भैंस का घी खिलाए के तभी ये ऐसा हो गया. तो आप मुझे टोटल 15 लाख दी देना. बापू गाड़ी अरे जीतरे वाल जीतरे और साथ में एक बुलेरो भी दे देना. वो थारी सुविधा वास्ते बोली जो मारा छोरा और थारी छोरे घूमने वास्ते जाए करेंगे. थारे रिश्ता मंजूर होता बोल नहीं तो आगे बढ़. नमस्कार अजय अटकमल जी. नमस्कार. मैंने आपके बारे में भी एक विज्ञापन में पढ़ा था कि आपको आपके बेटे के लिए लड़की की आवश्यकता है. जी जी हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. तो देखिए यार मेरी लड़की का फोटो, सुंदर सुशील, सिलाई कढ़ाई बुनाई सभी काम में निपुण है. लड़की तो एक अच्छी बहुत अच्छी है, पर ये बताओ कि दहेज में कितना दोगे?
भाई साहब दहेज तो जो आप बताए। देखो भाई, मैंने अपन अपने अपने लड़के को इंजीनियर बनाने में पूरे 20 लाख खर्च करे, तो आप मुझे पूरे 20 लाख दे देना, बाकी शादी का खर्चा मैं देख लूंगा, और साथ में एक प्लाट भी दे देना है। जी भाई साहब। जी जी धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। बहुत उदासीन दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है बताइए ना। क्या बताओ भाई साहब, जिसकी लड़की बड़ी हो जाती है उसे उदासी खाने लगती है, ऐसी क्या बात है जरा खुलकर बताओ। भाई साहब मेरी बेटी राहू 18 साल की हो गई है, मैंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, हर काम की योग्य बनाया, लेकिन फिर भी कोई उसकी शादी का रिश्ता लेने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। किसी को प्लाट चाहिए, किसी को नगद चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बस इतनी सी समस्या है? आप इसे इतनी सी समस्या कह रहे हैं, यहाँ तो मेरी जान ही निकली जा रही है। अच्छा भाई साहब, अगर मैं आपको अच्छा लड़का बता दूं तो? क्या कह रहे हैं आप, मेरे सिर से तो बोझ ही हल्का हो जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई साहब, मेरा लड़का कृष्णा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक है, इतना तो कमा ही लेता है कि आपकी लड़की को सुखी रख सके। वह सब तो ठीक है भाई साहब, पर आपकी जाति और हमारी जाति बिल्कुल अलग अलग है। यह क्या कह रहे हैं भाई साहब, गायत्री परिजन होकर आप जाति के भेदभाव की बात कर रहे हैं? हमारे गुरुदेव ने तो कहा था कि अगर गायत्री परिजन के लड़के लड़कियां आपस में विवाह कर ले तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। वह सब तो ठीक है भाई साहब, पर लड़के और लड़की भी तो राजी होना। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला लेते हैं उनको। हाँ बेटी राधा, गायत्री शक्ति पीठ निवास पे जल्दी आ जाना। हाँ बेटा कृष्णा, गायत्री शक्ति पीठ पे जल्दी आ जाना। हाँ बेटे कृष्णा एवं राधा, हम दोनों ने मिलकर आपकी शादी करने का फैसला किया है, आपको कोई समस्या तो नहीं है? जी नहीं पिताजी। पिताजी पर मेरी एक शर्त है। वह क्या बेटे? पिताजी मेरी शादी बहुत साधारण तरीके से और बहुत कम खर्चे में गायत्री शक्ति पीठ देवास पर वैदिक विधि विधान से होनी चाहिए, तो ही मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ बेटे हम तैयार हैं, हमें तुम जैसे बच्चों पर नाज है। क्या चल रहा है यहाँ पर? साहब साहब मैं बताता हूँ, मैं इन लोगों के पास अपनी लड़की का रिश्ता लेके गया, इन्होंने अनेक प्रकार की मांग की, कोई गाड़ी मांग रहा है तो कोई पैसे मांग रहा है, कोई प्लाट मांग रहा है, आप इन्हें गिरफ्तार कर लो। क्या बक रहा है, हवलदारो गिरफ्तार कर लो इन्हें। पर हमारा कसूर क्या है तुम्हें पता नहीं? आईपीसी की धारा 498 एक दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, हवलदारो ले चलो इन्हें। अरे साहब पैसे पैसे क्यों, रिश्वत देने की कोशिश कर लिया मेरे को, चलो चलो तुमको बताता हूँ।